हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ हैं। नवरात्रि इज हियर, सो आई एम ट्राइंग टू मेक 9 डिफरेंट मेकअप लुक्स फॉर ऑल द 9 कलर्स। विश मी लक। टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ येलो कलर। आई होप मैं पूरे 9 शेड्स, आई मीन 9 कलर्स के साथ कुछ नया क्रिएट कर सकूं। एंड ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी फुल ऑफ ग्लिटर्स, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड वॉच टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। लेट्स बिगिन। सो आई एम स्टार्टिंग विद द आई मेकअप, और सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को फिल करूंगी यूजिंग लॉरियल आईब्रो किट, और एंगुलर ब्रश से मैं ये पाउडर साइड अप्लाई करूंगी विच इज जस्ट लाइक अ डार्क डीप आई शेडो कलर, और फिर जो भी ब्रश में बचा होगा उसे मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी। आईब्रोज के हेयर को सेट करने के लिए मैं क्लियर आईब्रो जेल यूज कर रही हूँ। दिस वन इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। आई शेडो बेस के लिए मैं यहाँ पर पैक का स्पॉटलाइट कंसीलर यूज कर रही हूँ। इसका शेड नंबर है 8। आई बेस मैंने काफ़ी नेचुरल शेड का बनाया है बिकॉज एनी विच वेज मैं इस पर येलो कलर का आई बेस क्रिएट करने वाली हूँ, और उसके लिए मैं फॉरएवर 52 का लिप पैलेट यूज करने वाली हूँ। आई एम यूजिंग हियर अ फ्लैट ब्रश। ये पैक का 347 नंबर का ब्रश है, और पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। Although it is a lip palette, you can use it like an eyeshadow as well. और face paint की तरह भी आप इसे use कर सकते हो। There is a separate video on my channel on this palette specifically. मैंने इसे review किया है। So dark colors के लिए मैं generally black eyeshadow base use करती हूँ, but क्योंकि yellow light shade है, black use करती तो वो dark yellow हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर आई शेडो बेस जो है येलो कलर का क्रिएट किया है। नाउ आई एम टेकिंग शाई फ्रॉम ग्लिटर गैलेक्सी प्राइड्स ऑफ इंडिया पैलेट, और धीरे धीरे कलर को पैक करूंगी। येलो एक ऐसा आई शेडो कलर है जो जल्दी पॉप नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर येलो बेस पहले यूज़ किया। अदरवाइज आप चाहो तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। आई एम टेकिंग अ बिग फ्लफी ब्रश फ्रॉम प्रो आर्ट इन द नंबर AE24, और मैं सेम शाई शेड का यूज करूंगी और इसे क्रीज पे ब्लेंड करते जाऊंगी। क्रीज थोड़ी डीप करने के लिए मैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट यूज करूंगी, और पैक का ब्रश यूज कर रही हूँ मैं 397। इसे आउटर कॉर्नर पे ही मैं प्लेस करूंगी। आई एम नॉट कमिंग टू मच इनसाइड। अगेन टेकिंग द सेम फ्लफी ब्रश, और इस कलर को अच्छी तरह से मर्ज करूंगी मैं येलो के साथ। बैक एंड फोर्थ मोशन यूज़ कर रही हूँ मैं, और साथ ही मैं इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कलर बहुत दिखे ना आए। आई वॉन्ट माई आईज़ टू लुक येलो, बट थोड़ी सी डेप्थ आ जाए, इसके लिए मैं इसके ऊपर भी जा रही हूँ। नाउ माई फेवरेट पार्ट कम्स हियर, दैट इज ग्लिटर्स। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये ग्लिटरी वर्ल्ड का गोल्डन शेड जो बहुत ज़्यादा प्यारा है, और एक ये गॉर्जियस गर्ल का शेड नंबर 18। इसमें जो है आपको दो शेड मिलते हैं, लाइक दिस इज येलो एंड ऑरेंज मिक्स्ड, और ग्लिटरी वर्ल्ड का एकदम प्रॉपर येलोइश गोल्ड है, और बहुत ही प्यारा कलर है ये। ये एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और गुड क्वालिटी ग्लिटर्स आपको मिल जाएंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, डू चेक आउट दैट। तो यहाँ मैं ये दोनों ही ग्लिटर्स को मिक्स करने वाली हूँ बिकॉज आई थिंक फॉर माई ड्रेस ये बहुत ज़्यादा येलो हो जाएगा एंड दिस वन इज़ टू ऑरेंज, सो आई विल मिक्स बोथ ऑफ देम। तो पहले मैं ये लगाऊंगी, फिर उसके ऊपर ये वाला फिंगर से अप्लाई करूंगी मैं। इससे बहुत ही अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई होता है। यू कैन चेक आउट दिस ब्यूटीफुल शेड। अच्छे से फिंगर से इसे प्रेस करना है। इसके अंदर ग्लू ऑलरेडी होता है, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं अलग से, इसीलिए आप इसे जो फिंगर से नहीं अप्लाई किया है उससे एक बार अच्छे से प्रेस कर लो। जो भी एक्सेस है वो इसी पॉइंट हाथ पे आ जाएगा, बाद में फॉलआउट्स नहीं होंगे। नाउ लेट्स सी दिस वन, अगेन वेरी प्रिटी बट काइंड ऑफ ऑरेंजिश। आप देख सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा येलोनेस थी वो थोड़ी सी टोन डाउन हुई है, क्योंकि आउटफिट से मुझे मैच करना है। सो आई थिंक मैंने इसे कलर शिफ्टिंग आई शेडो में कन्वर्ट कर लिया है। कहीं से ये ऑरेंज दिख रहा है, कहीं से ये येलो, सो आई एम लाइकिंग इट। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं नाज ले रही हूँ,
और ब्रश मैंने लिया है प्रोवार्ड का AE26। इसी से मैं अपनी आईब्रो भी हाईलाइट कर लूँगी। नाउ आई एम यूजिंग फेसेस इंक लाइनर। आई विल बी यूजिंग फॉल्स लैशेस, इसलिए मैं कोई मस्कारा अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। सो लेट मी क्विकली डू दी अदर आई मेकअप एज वेल एंड गेट बैक टू यू गाइज। आई मेकअप यहाँ पर हो चुका है एंड लेट मी नो वॉट डू यू थिंक अबाउट इट। आई एम मूविंग टू द मॉइस्चराइजर और यहाँ मैं पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू हैव एक्सट्रीमली ऑयली स्किन देन पॉन्ड्स का जो सुपर लाइट मॉइस्चराइजर है वो ज़्यादा बेटर होगा। मेरा वाला ख़त्म हो गया है इसलिए मैंने लाइट मॉइस्चराइजर से ही काम चला लिया है। यहाँ पर लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ इन द शेड लव। मॉइस्चराइजर मैंने फेस पे कुछ देर के लिए छोड़ दिया था और अब मैं प्राइमर लगाऊंगी फ्रॉम फॉरएवर 52। इट इज़ ऑल मैट बेस्ड प्राइमर विच इज़ गुड फॉर ऑयली स्किन। सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये और इसका कोई कलर नहीं है, इट्स लाइक अ जेल। इंस्टेंटली एकदम ब्लर इफेक्ट ये देता है स्किन को, तो अगर आपकी टेक्स्चर्ड स्किन है तो भी काफ़ी अच्छा होगा ये प्राइमर। बेस काफ़ी ड्यूई हो इसके लिए मैं यहाँ पर स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम माई ग्लैम। बहुत ही प्यारा शैम्पेन गोल्ड शेड है ये। इसमें एक थोड़ा सा पिंकिश शेड भी अवेलेबल था, क्योंकि मेरी स्किन का अंडरटोन वार्म है इसलिए मैंने ये लिया है। आप इसे चाहो तो फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कर सकते हो, आपका फाउंडेशन भी ड्यूई हो जाएगा। चंकी ग्लिटर्स इसमें नहीं है, इस वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, लगता ही नहीं है कि आपने लिक्विड हाइलाइटर लगाया, बिकॉज स्ट्रोक क्रीम इज़ जस्ट योर लिक्विड हाइलाइटर। लेकिन इसमें शिमर्स बहुत ही फाइन होते हैं, दैट्स वाई इट लुक्स मोर नेचुरल। तो यहाँ पर अब मैं कलर करेक्शन करूँगी यूजिंग फॉरएवर 52 कलर करेक्शन व्हील इन द शेड 3। और मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर ले रही हूँ फॉर माय डार्क सर्कल्स एंड आई एम टेकिंग दिस फ्लफी कंसीलर ब्रश विच इज़ पैक 073 ब्रश। और जहाँ भी मुझे पिगमेंटेशन लग रही है वहाँ भी मैं इसे अप्लाई करूँगी। इस करेक्शन को मैं अब पाउडर से सेट करूँगी और आज मैं यूज़ करूँगी फॉरएवर 52 का वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट पाउडर, जो आप ऑफ़ कोर्स वेट एंड ड्राई बोथ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं ड्राई यूज़ करूँगी एंड इट इज़ इन द शेड सॉफ्ट बेज। इफ़ आई डोंट डू दिस स्टेप तो चांसेस हैं कि ये जो ऑरेंज करेक्शन है ये आगे जाके फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाए। सो टू अवॉइड दैट आई एम हियर सेटिंग दिस फर्स्ट। बहुत ही कम क्वांटिटी आपको लेनी है पाउडर की, अदरवाइज आपकी अंडर आइज काफ़ी ड्राई और केकी भी हो सकती है। सो ये ब्रश मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फॉर दिस पर्पस। डिटेलिंग के लिए भी काम आता है, फ्लफी भी है एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट। फाउंडेशन इज अगेन फ्रॉम फॉरएवर 52 अल्ट्रा फाउंडेशन इन द शेड 14। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैं फॉरएवर 52 के बहुत से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ बिकॉज आई पर्सनली लाइक दिस ब्रांड और ये सब मैंने अपने पैसों के खरीदे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आई एम यूजिंग पैक ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दिस। अंडर आइज़ के नीचे मैं ये फाउंडेशन थोड़ा अवॉइड करती हूँ बिकॉज आई हैव नोटिस्ड इसकी वजह से थोड़ी क्रीज लाइन ज़्यादा आ जाती है, सो आई प्रिफर अ कंसीलर नाउडेज। और यहाँ मैं लॉरियल इनफैलिबल कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 314। कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पर मैं कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड कैट्रिस इन द शेड वॉर्म ब्राउन। और इसे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूंगी ताकि सब कुछ एकदम सीमलेस हो। नाउ टू लॉक द बेस मेकअप आई एम यूजिंग द सेम फॉरएवर 52 कॉम्पैक्ट पाउडर एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग अ बिग फ्लफी ब्रश फ्रॉम प्रोवार्ट नंबर PF06। अंडर आइज के लिए मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ, आई विल टेक द 43 नंबर ब्रश फ्रॉम फॉरएवर 52। ब्रॉन्जिंग के लिए मैं फेसेस कैनेडा का फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ग्लो और मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। बाय द वे मैं पैक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ 245 और इसी को मैं पिंच करके नोज पे भी लगा रही हूँ।
ब्लशर मैं यूज कर रही हूँ नेल्फ का इन द शेड 11। और अब मैं इसका हाइलाइटर भी यूज करूंगी। नाउ लेट्स कंप्लीट द लोअर लैश लाइन आई मेकअप एज वेल। आई एम टेकिंग अगेन द सेम शाई शेड और इसे मैं आंखों के नीचे प्लेस करूंगी। कॉर्नर्स पे मैं इसे अप्लाई करते हुए ऊपर से कनेक्ट करूंगी। नाउ आई एम टेकिंग द शेड बोल्ड विच इज ब्लैक और एक छोटे से स्मजिंग ब्रश से मैं इसे लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। और ये ब्रश है पैक का 386। देन आई एम टेकिंग इंडिपेंडेंट और सेम स्मजिंग ब्रश मैं यूज कर रही हूँ और बिल्कुल इसे ब्लैक के पास ही मुझे लगाना है। ब्लैक जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और येलो जहाँ शुरू हो रहा है उसके बीच में मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ न्यूड पेंसिल फ्रॉम NYX इन द शेड 01। आई एम गोइंग टू यूज नायका लाइक इट लॉन्ग मस्कारा टू माई लोअर लैश लाइन्स। फॉर माई लिप्स आई एम गोइंग टू यूज वेट एंड वाइल्ड लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड गिव मी मोका। एंड लास्टली आई एम गोइंग टू फिनिश ऑफ विद दिस ब्यूटिफुल मेकअप लुक यूजिंग कलर एसेंस सेटिंग स्प्रे। सो हियर वी आर। सो दैट्स अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये मेकअप ट्यूटोरियल एंड आई होप यू फाइंड इट ईजी टू अचीव। ऑल्सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दिस लुक प्लीज टैग मी ऑन इंस्टाग्राम पेज। आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो ऑन नवरात्रि मेकअप लुक। बाय।